This is our new stay. If you see, this is more of like a 1 BHK kind of thing. देखो हमारे 3 दिन का सामान है literally. Finally हमने देहरादून देख नहीं पाए थे. कितना सुंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन. बहुत बढ़िया. तुम पिछले ट्रिप में नहीं थे हमारे साथ वैसे भी. Actually I'm shooting my Amazon का content. मैंने कैमरा पर्सन बनाया हुआ है पूरे. मेरे को मुंडू बना रखा है. ये स्पॉट बॉय है मेरी. यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं. मेरे को कुछ दिखाना है यहाँ पर. ये है भंवरा. गुड मॉर्निंग. रात को बारिश आई है तो सारा ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है. मेरे को तो ऐसी आवाज सुनाई दे रही है. बहुत रात को सुनाई दे रही थी मतलब बारिश की. और ये जो है ये निशाचर है. ये रात को इसने बिस्किट की चोरी की. और क्या और किस चीज की चोरी की थी. कहाँ जा रहा है चोर. चोर नजर चुरा के जा रहा है. सारी रात घूमता रहता हूँ वहाँ पर. रोड पे घूम रहा था. हरी ना कि हम क्या बना रहे हैं. ऐसे करोगे तो आएगी लाइट. हाँ ये देखो क्या बना रहे हैं निश्चल. हम बना रहे हैं अंडे की भुर्जी. हाँ हम एग खाएंगे. हम तो नहीं खाएंगे. हम तो ब्रेड खाएंगे. मैं तो ब्रेड सेक रही हूँ. बटर और ब्रेड ये कुछ लोग खाएंगे. वेजिटेरियन है ये. फोटो खींची एम टी फोटोज और फिर उसे जाके कार्टूनिस्ट कुछ इफेक्ट दिया. इट वॉज वेरी नाइस. आई वाज जस्ट पुट इट आउट देयर. सो इट वाज वेरी नाइस. रेन 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 रेन. मेरे को कुछ दिखाना है यहाँ पर. फूल हैं और फूलों पर तितली और भंवरे. भंवरे दोनों हैं. भंवरा भंवरा तो आया रे. मैं दिखाती हूँ अगर वो पास से दिखेगा तो. कोशिश करूंगी बिल्कुल पास से दिखाने की. ये है भंवरा. ये देखो भंवरा जो है वो फूलों का रस चखता है. इसकी ज़ की आवाज भी आ रही है. ओहो दो दो भंवरे आ गए. सुंदर सुंदर यहाँ फूल लगे हुए. यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं. बादल कितनी शांति है. ना कोई आ रहा है और ना ही कोई जा रहा है. यहाँ पर ये बिल्कुल एक छोटा सा घर है मेरे पीछे. बिल्कुल ही छोटा सा दिख रहा है. यहाँ से शुरू होके और यहाँ पर खत्म है बस. यार रुजा रुजा ही से नो देर रूल तेरी. ये बेचारा इतना भूखा है. जेरे के चीचड़ी देख रही हूँ. वो भी पंजू में. हाँ मैं देख लिया. खा ले बेचारा कितना भूखा है. सुखी ब्रेड खा रहे. और हमारे वाले दूध में भीगी हुई भी खा ले ऐसा करके खिलाना पड़ता होगी. Actually, I'm shooting my Amazon का content. तो actually I got this. कहाँ दिखाओ ये bag जो मैंने अभी आपने vlog में देख लिया होगा. पूरी proper dedicated video बनाई है. This is a bag I got it. So दीदी को मैंने camera person बनाया हुआ है पूरे. मेरे को मुंडू बना रखा है. ये spot boy है मेरी. Spot boy पानी. प्यास लग रही है. ये लीजिए. Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. So basically guys, it was such an amazing stay here. काटकुनी में हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वुड रिजॉर्ट. बहुत ही मजा आया सबको. आई थिंक इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. स्पेशली सब इतने यू नो साथ में बैठ के मजे कर रहे थे. मैं सबका एक्सपीरियंस जानता हूँ. देखो अच्छा था. मैं तो अकेली भी रह सकती हूँ. हम ऐसा घर लेना चाहते हैं मतलब. हाँ नाइस. चलो थारा कैसा रहा निश्चल मैडम. बहुत बढ़िया. तुम पिछले ट्रिप में नहीं थे हमारे साथ वैसे भी. कोई बात नहीं. अब आ गए. इस वाले में एंजॉय करा मैंने. देर आया दुरुस्त है. थारा कैसा रहा विक्की. मेरा बहुत अच्छा रहा. पर रात को मैं तो नहीं रुक सकती. दीदी को डर लग रहा जब आवाज. मैं दिन में अकेली भी नहीं रह. दिन में भी नहीं रह सकती अकेली. तो हमें तो 8 बजे से. थारा रुबी मैडम
मेरा तो बहुत अच्छा रहा, खासकर इनके साथ। ओ, कुत्ते तो दीदी के फेवरेट है, सो जहाँ कुत्ते दिख जाए दीदी वहाँ जाती है। दैट साउंड्स सो बैड। अच्छी जगह है, नो डाउट। पेट लवर, पेट लवर, नेचुरल एयर सब कुछ। और ऊपर से हमने ये नहीं दिखाया कहाँ के हमारे पहाड़। अरे यहाँ से नहीं दिख रहे, वो दिखा देते। सो गाइस, वी आर रेडी टू गो टू आवर डिफरेंट लोकेशन नाउ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इट वाज सच अमेजिंग स्टे गाइस। बहुत जरूर आना यहाँ पे यार। इट्स मोर अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं प्लेस के बारे में। करने गाड़ी सामान सब कुछ तैयार रख दिया, सो लेट्स गो। और हमारे भैया जो संजीव जी भैया है वहाँ पे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। अब कैमरा भी पकड़ना नहीं पड़ रहा, कैमरे पकड़ने वाले भी मैंने रख लिया यार साथ में। क्या कर रहे इन्हें मैं घुमा रहा ड्राइवर की तरह, मेरे कैमरे पकड़ रहे हैं। सो बेसिकली अभी दीदी बताएगी हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज आई एम वेरी बैड विद लोकेशंस एंड ऑल। कितनी ब्यूटीफुल, जस्ट लुक, शो दैट बैक एक बार दिखाओ साइड करके। ये देखो गाइस, लुक एट दिस डोप लोकेशन, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर। भगवान कृष्ण और अर्जुन आपसे मिलके बात। ये दून स्कूल है जिसमें हम पढ़ना चाहते थे और अफोर्ड नहीं कर पाए। नहीं नहीं, कभी हमने तो सुना ही नाम बाद में भाई। ये दून स्कूल का शायद मेन गेट हो। अभी हम आ रहे थे तो वहाँ लिखा हुआ था रास्ते में, अभी मसूरी जो है वो 32 किलोमीटर, और ये कह रही है कि यहाँ से बस मसूरी जो है वो 3 से 4 किलोमीटर। ये हमारा होता है, ये हमारे इंडियंस का यही होता है। अगर कोई पूछे कितनी देर लगेगी, नहीं नहीं कितनी दूर हो, हाँ बस पास बड़े पहुँच गए। अरे भाई हमने डिस्टेंस पूछा है, टाइम नहीं पूछा, ये होता है सबका। नहीं यहाँ तो डिस्टेंस में भी लिखा हुआ है 32, यानी कि अगर 32 की जगह 34 लिखा होता वो 3 से 4 किलोमीटर माना जाता। अच्छा गाइस एक चीज और, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम ना ऐसी प्लेसेस को देखते हुए जाते हैं बस, ज्यादा रुकते नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं सारे प्लेसेस दूर से। हाँ, दूर गाड़ी से, में एसी बैठे, एसी बैठे, हाँ हाँ दूर के ढोल सुहावने। गाइस फाइनली वी आर एट दिस अनदर लोकेशन जहाँ पे हमारा स्टे है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अनदर डोप वन। आई मीन दोनों एक ही जो ओनर है, दोनों के एक ही ओनर है, तो बेसिकली स्टे उनका था, ये वाला स्टे भी इनका ही है। एंड ये थोड़ा शहर वाला, यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा, लाइक ऐसा लग रहा है पूरा देहरादून मेरी आंखों के सामने है। सो दैट इज द बेस्ट। वहाँ पे बिल्कुल यू नो इट वॉज वेरी आइसोलेटेड एरिया था वो काफी, वहाँ पे कोई लोग वगैरह नहीं थे, बट यहाँ पे यू कैन सी पीपल ऑल्सो, देर आर अदर स्टेज ऑल्सो। तो मैं आपको अभी फ्लिप करके दिखाता हूँ, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू विल लव इट ब्रो। तो बताइए कैसा लग रहा है। फाइनली हमने देहरादून देख नहीं पाए थे, तो अब हम देहरादून देख सकते हैं ना। पर मेरे को वही ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो वाला एरिया। हाँ। वाओ, दिस इज बेसिकली पूरा देहरादून। ऐसा लग, पहाड़ी सी नहीं लग रही थी वहां जाके। देहरादून ये पूरा का पूरा यहाँ से दिख रहा है आपको। अच्छा जी, कुछ हमारा प्रोफेशनल टॉक चल रही है गाइस। तो हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है और यहाँ पे पार्किंग है, देखो बहुत ही अच्छा एरिया है वैसे तो, काफी खुला सा खाली सा। तो अभी हम सामान निकालने आए अपना, निकालते हैं सामान। देखो हमारे 3 दिन का सामान है लिटरली, यही होता है जब लड़कियों के साथ आते हो तुम, पता नहीं कितने। हाँ तेरा सबसे ज्यादा सामान है ये रहा, मैंने टांगा हुआ है। हाँ टांगा हुआ है, और वो कहाँ है इसका रेड बैग, कहाँ है दिखाओ। ये रहा रेड बैग। ये क्या बनाया है, ये पनीर, अंडे की भुर्जी। अच्छा ये अंडे की भुर्जी बनाई है, और ये ब्रेड से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चाय दे के गई भैया, थोड़ा सा दिन मच गया है। देखो सब कितना रिलैक्स कर रहे हैं, ये देखिए ये एडिटिंग हो रही है। फिर अभी अपनी जयपुर वाली सीरीज, अभी जयपुर वाली खत्म नहीं हो रही, हम दूसरे ट्रिप पे आ चुके हैं, हम तीसरे की प्लानिंग कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, डेली व्लॉगिंग अब थोड़ी 2-3 दिन डिले चल रही है, बट इट्स ओके, क्योंकि जब तुम ट्रैवल करते हो ना इतना ज्यादा कर नहीं पाते। अब जैसे हमें एडिटिंग पे लग गया तो अभी हमें घूमने जाना है तो वो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए थोड़ा सा डिले डिले ठीक है। आई होप यू आर जस्ट एंजॉयिंग द व्लॉग। अब मेरे पास कैमरा पर्सन है, थोड़े दिनों की छुट्टी पे, अभी छुट्टी चल रही है तो मैं पूरे फायदा उठा रहा हूँ। अच्छा और ये मैं एक बार चाय दिखा दूँ, ये चाय, ये चाय। अब आप पूछेंगे कि हमने स्टील के ग्लास में क्यों ली, क्योंकि इसमें ज्यादा देर तक गर्म रहती है। चाय ऐसे मुंह पे गिरा दोगे? ले, अरे नहीं तेरा भाई इतना बड़ा ग्लास है, मिलेगा पता नहीं कितनी बड़ी चाय होने वाली इसमें। कितनी बड़ी चाय नहीं, कितनी ज्यादा। हाँ बताइए कैसी है चाय। अच्छी है। हाँ इसको आधा किलो दूध की चाय, एक विदाउट पानी। लोग कहते दूध नहीं पीता, मैं कह रहा हूं मैं बहुत चाय पीता हूं, चाय दूध में होती है। आपको ये देख रहे हैं ना, ये वाला सबसे बड़ा वाला ढेर ये है, किसका हो सकता है सोचो। तो बेसिकली गाइस आई थिंक दिस इज अनदर स्टे जो मैं आपको बता रहा था कि हम दूसरे स्टे में जा रहे थे। आप पता नहीं धूप नहीं हो रही बट आंखें खुल नहीं रही ऐसे, आई डोंट नो व्हाई।
इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो एक्चुअली ये हमारा नया स्टे है, दिस इज आवर न्यू स्टे। इफ यू सी दिस इज मोर ऑफ लाइक अ 1 BHK काइंड ऑफ थिंग, जो पहले भी था वो 2 BHK था, 1 BHK, लेकिन 1 BHK एक्चुअली 2 BHK जितना ही बड़ा है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉपर्टी विच वी आर स्टेइंग एंड इट इज ऑल्सो नाइस एंड द बेस्ट पार्ट इज एक्चुअली द व्यू हेयर इज लाइक हमें पूरा देहरादून दिख सकता है यहाँ से। और अभी हम प्लान अभी मैं एडिट कर रहा था तो वी आर प्लानिंग राइट नाउ कि हम कहीं जाए। और दे हैव अ गेट, ये बंद कैसे हो गया? दे हैव दिस ब्यूटिफुल छोटी सी टपरी, नाम दिया हुआ इन्होंने इसको, विच इज सो कूल। टपरी, यहाँ पे टपरी पे बैठ के दीदी फोन पे बात कर रही है। गाइज यू नो यू मस्ट बी वंडरिंग कि आजकल मैं इतना क्यों घूम रहा हूँ, तो रीजन सिर्फ इतना सा है यार, क्योंकि देखो मेरी तो छुट्टियाँ होती है 24 आवर्स 24 डेज 2400 घंटे 24। सो देन हर टाइम इट्स ऑल माई हॉलीडेज गोइंग ऑन। सो आई वॉज लाइक मेरी दीदी की हॉलीडेज चल रही थी, लेट्स गो ट्रैवल, यू नो वी डिड अ जयपुर ट्रिप, वी जस्ट डिड दिस ट्रिप ऑल्सो एंड वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ न्यू ट्रिप वेरी सून। लेट्स सी हाउ, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट बट वी वॉन्ट डू इट बिकॉज छुट्टियाँ जल्दी से खत्म होने वाली। सो इट्स लाइक यू नो यू शुड जस्ट गो एंड चिल आउट ब्रा, लेट्स डू इट, दैट्स व्हाट द थिंग इज।